मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र समेत देश के 25 से ज्यादा राज्यों में बारिश हो रही है। वहीं मुंबई के पालघर के वसई इलाके में बुधवार को लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की खबर मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, इसकी वजह से अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात और महाराष्ट्र हैं। आपको बता दें, मंगलवार को पूरे देश में 279 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर अच्छी बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश में अब तक औसत से 9% अधिक बारिश हो चुकी है। तो वहीं मुंबई के पालघर के वसई में बुधवार को सुबह लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई लोगों की दबे होने की खबर मिली है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 2 लोगों को जिंदा निकाला है, जबकि 3 लोग अभी भी फंसे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक घर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बीते 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ वाले स्थानों से 95 लोगों को निकाला गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि एनडीआरएफ की 13 टीम और एसडीआरएफ की 3 टीमों को राज्य के संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।